साईराम। काफी दिनों से परीक्षारत मुंबई से शिरडी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ शुक्रवार 10 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया। देश की 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से साईनगर शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाई गई। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से मुंबई पहुंचे, जहां उनका स्वागत महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने किया। करीब 3:15 पर श्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचे, जहां उनका स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने गणपति का स्वरूप देकर किया। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पेंटिंग भेंट की। उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है कि आज महाराष्ट्र से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ हुई है, जो एक राज्य के एक शहर से राज्य के दूसरे शहर में जाएगी। आज मुंबई से साई नगरी शिरडी तक साई बाबा का आशीर्वाद हमको मिले इसलिए, और दूसरी ट्रेन ये मुंबई से सोलापुर तक आई तुलजा भवानी का आशीर्वाद लेने के लिए, सिद्ध रामेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए, महाराष्ट्र की इष्ट देवता पांडुरंग विठल का आशीर्वाद लेने के लिए और श्री समर्थ का आशीर्वाद लेने के लिए ये ट्रेन महाराष्ट्र के भाविकों के लिए और प्रवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार ने कहा, आज मुंबई से शिरडी साईं धाम, पवित्र नासिक, गौरवशाली पुणे और सोलापुर शहरों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ रहे हैं। एक साथ 2-2 वंदे भारत एक्सप्रेस का उपहार, और वो भी ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हुए कहा, अभी आज यहाँ 2 वंदे भारत ट्रेन छूट रही है, शिरडी जाएगी, सोलापुर जाएगी। ये बहुत ही महाराष्ट्र के लिए, मुंबई वासियों के लिए बहुत बड़ा यशस्वी कदम है, लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंबई कर का धन्यवाद करते हुए कहा, ये सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के लिए, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करना हो, नासिक स्थित रामकुंड जाना हो, त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी क्षेत्र का दर्शन करना हो, नई वंदे भारत ट्रेन, ये सब बहुत आसान होने वाला है। इसी प्रकार मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन से पंढरपुर के विठल रखुमाई, सोलापुर के सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ या फिर आई तुलजा भवानी के दर्शन अब सबके लिए और सुलभ हो जाएंगे। और मुझे पता है कि जब वंदे भारत ट्रेन सह्याद्री घाट से गुजरेती तो लोगों को प्राकृतिक सुंदरता का कितना दिव्य अनुभव होने वाला है। मैं मुंबई
और महाराष्ट्र के लोगों को इन नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोपहर करीब 3:51 पर CSMT से साईनगर शिरडी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, रेलवे अधिकारी, कर्मचारी व भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। सेंट्रल रेलवे द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि वंदे भारत ट्रेन संख्या 22,223 मुंबई CSMT से प्रातः 6:20 पर चलेगी और दादर, ठाणे और नासिक रोड पर रुकेगी। 11:40 पर ट्रेन साईनगर शिरडी पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 22,224 साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन से शाम को 5:25 पर चलेगी और रात को 10:50 पर मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। मुंबई CSMT से शिरडी चेयर कार का किराया ₹975 होगा। एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया ₹1,840 होगा, जिसमें कैटरिंग चार्ज सम्मिलित है। बिना कैटरिंग सुविधा के मुंबई CSMT से शिरडी चेयर कार का किराया ₹840 होगा और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया ₹1,670 होगा। पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में CCTV कैमरे और फायर फाइटर इक्विपमेंट लगे हुए हैं। वाईफाई टीवी के साथ साथ एंटरटेनमेंट की भी सुविधा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलने पर साईं भक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा, ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साईं भक्तों के लिए मुंबई से शिरडी के लिए वंदे भारत ट्रेन का चलाना तय हुआ है। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे साईं भक्तों के लिए जो जगह जगह से आते हैं उनके लिए भी इसी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि भक्त लोग बाबा से जुड़े रहें। ओम साईं। मंदिर से आज बहुत ही खुशी का विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा मुंबई से साईनगर शिरडी की ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। सभी साई भक्तों में अति उत्साह का माहौल है। ओम साईं। प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने शिरडी के लिए एक और नई ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं। इससे आम जनता जो कि शिरडी जाती है उनके लिए काफी ज्यादा लाभ होगा। हरीश लालवानी, साईं लीला टाइम्स। कृपया साईं लीला टाइम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 24 घंटे शिरडी साईं बाबा से जुड़े रहने के लिए साईं लीला टाइम्स इंटरनेट FM रेडियो लॉग इन करें। ओम साईं राम।